बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रमोटर एनालिसिस के ऊपर, बाय यूजिंग टीबी टूल्स हम उसको टीबी टूल्स के थ्रू कैसे विजुअलाइज करते हैं। टीबी टूल्स के लिए हमारे पास सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है अपस्ट्रीम जीनोमिक रीजन्स हमारे पास होनी चाहिए अपने स्पेसिफिक रोग की रिलेटेड टू स्पेसिफिक जीन फैमिली। उन जीनोमिक सीक्वेंसेस को रिट्राइव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारी प्रोटीन सीक्वेंसेस होनी चाहिए। प्रोटीन सीक्वेंसेस को हमारे पास जो हमने पहले अपने कुछ वीडियोस में बताया कि उनको वो कैसे रिट्राइव करना है, तो हमारे पास ये हमारी कुछ प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे सीक्वेंस पर और एनसीबीए ब्लास्ट पर जाएंगे। यहाँ से हम इसको, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस है तो प्रोटीन ब्लास्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपनी सीक्वेंस को पेस्ट कर देंगे और सिंपली यहाँ से ब्लास्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो हमारा तरीकाकार है ये अपस्ट्रीम रीजन्स को ड्राइव करने के लिए है जीनोमिक लेवल के ऊपर। वो हम 1000 बेस पेयर्स भी लेते हैं, 1.5 यानी कि 1500 बेस पेयर्स भी ले सकते हैं, 2000 बेस पेयर्स भी ले सकते हैं। ये खुद आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना कलेक्ट करना चाहते हैं नेट उसके लिए। अभी हम लोग जो है वो 1000 बेस पेयर्स के लिए करेंगे इसको। ये हमारे पास रिजल्ट्स का पेज ओपन हो गया। इसमें हमारे पास ये हमारी सीक्वेंस रिलेटेड है, तो इसको हम ओपन करेंगे इसके एक्सेशन नंबर पर क्लिक करके। अभी इसका प्रोटीन का होम पेज ओपन हो गया। अभी हम इसमें यहाँ पर नीचे जीन लिखा हुआ है, इसके जीन पर क्लिक कर देंगे। इसके जीन पर क्लिक करने के बाद इसके जीनोम पे जीन रीजन का जो पेज है उसका सारा डाटा वो पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ पर जीनोमिक रीजन ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर फास्टा लिखा होगा, फास्टा पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए जो मेन हमारे पास रीजन है जीनोमिक रीजन उसका पेज ओपन हो जाएगा। सही, जब हमने अप टू 1000 बेस पेयर्स डाटा देना है उसके लिए हम लोग जो है यहाँ से इसमें एडिटिंग करेंगे। इसमें हम इसको ये जो फ्रोम है इसको कॉपी करके ये सेकंड वाले डायलॉग बॉक्स पे जो है पेस्ट कर देंगे, और जहाँ पर ये 9184 लिखा हुआ है इसको हम 8184 कर देंगे, तो इसका व्यू अपडेट कर देंगे। तो ये हमें ऊपर बता रहा है शोइंग 1 KB रीजन यानी कि 1000 बेस पेयर्स का ये डाटा हमारे पास। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको अगर काउंट भी करेंगे अल्फाबेटिकली तो ये 1000 अल्फाबेट्स होंगे। अच्छा, इसको फिर हम लोग कॉपी करके एक नई फाइल बना लेंगे इसकी सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्क की फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इस पर पेस्ट कर दूँगा। ये हमारे पास जीनोमिक रीजन आ जाएगा, 1000 बेस पेज का जीनोमिक रीजन आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जितनी भी आपकी प्रोटीन्स है आपने 1 by 1 करके अपने प्रोटीन्स रीजन्स को, सॉरी जीनोमिक रीजन्स को रिट्राइव करना 1 by 1, एंड देन आपके पास एक फाइल तैयार हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये हम सबसे सारी की सारी सीक्वेंसेस को रिट्राइव करके रखा हुआ, तो इसको फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं। इसी तरह अब हमारे पास इस जो हमारा ये डाटा रिट्राइव किया है इसको विजुअलाइज करने के लिए, इसका डाटा रिट्राइव करने के लिए हमारे पास एक डेटाबेस है प्लांट केयर। ये प्लांट केयर है डेटाबेस ऑफ प्लांट प्रमोटर एंड देयर सीस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ये इसका होम पेज है हमारे पास। अच्छा, इसके होम पेज पे हम यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर इन्होंने दिया हुआ सर्च फॉर केयर, इसके हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने के बाद हम लोग जो है अपने सीक्वेंस को, फर्स्ट सीक्वेंस जो है इसको कॉपी करेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस कम्प्लीटेड यानी कि 1000 बेस पे उसमें इसको कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
और इसमें ईमेल में हम अपना ईमेल क्लिक करने के बाद आपके पास रिसर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास 2 से 3 मिनट के बाद एक ईमेल रिसीव होगी। फिर उस ईमेल में से आप एक फाइल को ओपन करेंगे, एक इसमें फाइल होती है, तो आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये क्लोज हो गया, इसमें उसके बाद जो है जब ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास, तो आप वन बाय वन ये जो 6 एलिमेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि ए आर ई या ए टी सी मोटिव ए टी टाटा बुक, ये सारे 6 एलिमेंट्स हैं जो उसके 1000 अपस्ट्रीम रीजन में जिनोमिक लेवल के ऊपर पड़े हुए हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जो उनमें जीन एक्सप्रेशन हो रहे हैं उनमें उसकी रेगुलेशन में ये हेल्पफुल है। अच्छा, तो ये ब्लू के साथ जो एक बॉक्स बना हुआ प्लस, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओपन हो जाएगा इसका डायलॉग। इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें इन्होंने कोई नाम नहीं आइडेंटिफाई किया हुआ है इसका, तो इसको इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि जो इसका नेम नहीं है तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे। सेकंड में ए आर ई नाम, उन्होंने ये नेम दिया हुआ है और उसके साथ इन्होंने फंक्शंस भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इसमें इन्होंने फंक्शन भी निकाल कर बताया हुआ है, तो इसमें नीचे इन्होंने फंक्शन आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इसके लिए हम लोग जो है एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे, शीट हमारे पास, उसमें हम अपने जो है जीन का नेम कॉपी करके पहले लिखेंगे उसमें, यहाँ पर अपना नेम पेस्ट करेंगे जीन का, एंड देन यहाँ से हम इसका 6 एलिमेंट का नेम कॉपी करेंगे। इस नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें उन्होंने यहाँ पर 3 टाइम्स ये फंक्शंस रिपीट हो गया है, 1 2 3, तो इसके नीचे जो है हम इसी को 3 कर देंगे, एंड देन हमारे पास सेकंड 6 एलिमेंट है जिसे मोटी, इसका फंक्शन है कि ये डीएनए मॉड्यूल में इन्वॉल्व है इन लाइट रिस्पॉन्सिवनेस, इसको कॉपी करेंगे तो इसका नेम जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसमें इन्होंने फंक्शन जो 1 टाइम्स रिपीट है, तो इसमें सिंपल हम लोग 1 लिखते हैं। अब थर्ड पे जो है हमारे पास एटी डाटा बॉक्स है, जब इसको ओपन किया तो इसमें हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है आइडेंटिफाई, यानी कि इसमें कोई फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, नेम तो है मगर इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। इसी तरह ये बॉक्स 4 है, इसमें 2 है, बॉक्स 2 है, इसमें 1 है, ये 1 बाय 1 हम लोग इसको वहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास कैट बॉक्स है, अच्छा कैट बॉक्स में इसमें काफ़ी पॉपुलेशन होती है इसकी फंक्शंस की, मगर ये फंक्शंस जो रिपीट है वो सिर्फ 4 टाइम्स है, तो इसलिए कैट बॉक्स में वहाँ पर जाकर भी 4 ही लिखेंगे, यानी कि इन ये जो ये वाली जो काउंटिंग है इसको हमने मेंशन पे देखेंगे, हमारे पास जो इतने टाइम्स ये फंक्शन रिपीट हुआ है उसमें तो उसको हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम जो है 4 का काउंट दे लेंगे। अच्छा, 1 बाय 1 जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं उनके रीजन्स को कलेक्ट करने के बाद 1 बाय 1 करके आप प्लांट केयर के डेटाबेस पे जाने के बाद आपके पास एक एक्सेल की फाइल में, एक्सेल की शीट में भी अब आपके पास समथिंग लाइक दिस, आपके पास एक टेबल तैयार हो जाएगी। इस टेबल को तैयार होने के बाद आपके पास टीबी टूल्स एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसे हम हीट मैप बनाएंगे। ये जो है हमारा एक मैप जनरेट कर देगा जिसे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं इस एलिमेंट्स की क्वान्टिटी के किस जगह पर कितनी है और कहाँ पर इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस है किस प्रोटीन में या किस जीन में। चाहे ये ओपन होने के बाद हमारे पास हम इसमें ग्राफिक्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में जाने के बाद हीट मैप इलस्ट्रेटर एंड देन सिंपल हीट मैप, तो यहाँ पर इनमें पहले से कोई डाटा दिया होता है तो हम इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके तो रिमूव कर देंगे। हमारी एक्सेल का जो सारा डाटा है उसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर शो पेस्ट हो जाएगा, एंड देन हमने इसको यहाँ पर कोई चेंजिंग्स नहीं करेंगे इसमें और सिंपली इसको स्टार्ट कर दो। आफ्टर 1 to 2 सेकेंड्स ये आपके पास हमारा मैप जनरेट हो जाएगा हीट मैप।
सब नीचे इन्होंने यहाँ पर 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, तो हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। ये नीचे बॉक्स में विड्थ की विड्थ बढ़ा देंगे तो ये समथिंग लाइक दिस हो जाएगा। विड्थ बढ़ाने के बाद अच्छा अभी भी इसको हम हमें जो नेम्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ से नीचे, तो हम लोग जो है शो कंट्रोल डायलॉग पे जाएंगे और इसमें रो नेम एंगल को ये 90 पे कर देंगे, तो ये सारे नेम जो है 90 के एंगल पे आ जाएंगे, तो हमें पढ़ने में इजी हो रहा है, आइडेंटिफाई करना इजी है। अच्छा मैप को जो है वो मैप की आइडेंटिफिकेशन में इसको लेबोरेट करने में जो है, यानी कि ये बॉक्स 4 है, बॉक्स 4 में ये रेड यानी कि लेजेंड हमारा बता रहा है, इसमें जो रेड वाली है इसमें प्रेजेंस जो है एलिमेंट्स की सबसे ज़्यादा है, और ब्लू में रेड से नीचे चलते जाएं तो कलर चेंज होता जाता है, तो इतने से एलिमेंट्स की जो है वो नंबर्स वो काउंट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। अच्छा ये जो बॉक्स 4 है ये रेड इसमें सबसे ज़्यादा है इसकी प्रेजेंस, तो ये जो हमारे पास जीन है हमारा 21st, इसमें बॉक्स 4 की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस बनी हुई है। तो इस तरह आप बाकी जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको बाकी पर जीन्स में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसको जो है हम फिर बाद में इस ग्राफ को सेव कर लें। आपने जो जो से भी फॉर्मेट में सेव करना है, मल्टीपल फॉर्मेट्स इसमें है, JPG है, PDF है, TIFF है, PNG है, इसमें भी आप सेव करना चाहिए। और ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने प्रोमोटर एनालिसिस को परफॉर्म किया है CBSE सीक्वेंसेस को ट्राई करने के बाद, और विजुअलाइज किया थ्रू TV टूल्स फॉर्म क्रिएट अ हीट मैप।